प्रेम हो, तुम प्रीत हो। आई होप आप सभी लोग बहुत बड़े होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो अभी मैंने नहाना धोना कर लिया है क्योंकि मैं जा रही हूँ मंदिर। तो गाइस चलो मैं वीडियो बना रही हूँ और आज मैं ये साड़ी पहन रही हूँ, पिछौड़ा, ये इसका पेटीकोट और ये इसका ब्लाउज है नेट वाला। ये ऐसा ना वीडियो में अजीब से सारा, और एक स्टॉल लेके जा रही हूँ मैं क्योंकि ठंडा होगा तो क्या करूँगी गाइस। तो चलिए रेडी होके मिलती हूँ आप लोगों को। सो गाइज फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने स्काई ब्लू और पिंक कलर की कॉम्बिनेशन वाली साड़ी है, इसके साथ मैंने वियर कर रखा है रेड कलर का चूड़ा, फुल चूड़ा वियर कर रखा है और मैंने अपना मंगलसूत्र की मैं पहन रही हूँ और मेकअप मैंने न्यूड मेकअप कर रखा है, मतलब सिंपल न्यूड लिपस्टिक वगैरह लगा रखा है और आज मैंने हेयर कलर चेंज कर रखे हैं गाइज क्वीन वाले, बिकॉज आई एम अ क्वीन गाइज। और ये सिंदूर वगैरह, और आपको पता है मैं इसके साथ जूते पहन रही हूँ। जूते मैं इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि जब मैं पिछली बार गई थी ना तो मेरे पाँव में पूरा स्वेलिंग हो गया था, फफूले टाइप में हो गए थे तो मैं चल नहीं पाई थी, मेरे सैंडल वैंडल भी टूट गए थे। तो आज मैं कंफर्टेबली जूते पहन के जा रही हूँ। तो अभी मैं ताऊजी के लिए चाय बना रही हूँ। ताऊ तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है टीका का, जो पहाड़ियों का लुक तभी कंप्लीट होता है ना जब माथे पे टीका लगाते हैं और पिछौड़ा डालते हैं। तो पिछौड़ा अभी मैं बैग में रख लूँगी गाइज, क्योंकि ना जहाँ मुझे जाना बहुत चढ़ाई वाला एरिया है और 6-7 किलोमीटर पैदल भी है, तो बैग में रखूँगी मैं। और तभी मैंने जूते भी पहने गाइज, यही रीजन है जूते पहनने का। मैंने अभी ताऊजी को चाय दे दिया है और कैसे लग रही गाइज मैं कमेंट करना, मैं खुद को ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हूँ किसी को लगना भी, सॉरी गाइज। तो गाय जब भी मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए मम्मी को भी बाय बाय बोल देती हूँ। बाय बाय। तो कैसी लग रही गाइस मैं कमेंट करना, अब मैं फुल में एक दो रील भी बनाऊंगी टाइम मिला। तो जाने से पहले सबसे पहले अपने इष्ट देव जी के दर्शन करेंगे, जय कालीनाथ जी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं और मैं काबू की माम के साथ जा रही हूँ। तो टाइम पता नहीं कितना हो गया, 8:56 हो गया गाइस, तो थोड़ा लेट हो गया, वैसे लेट नहीं हुए हैं, पहुँच जाएंगे आज, हमारे पास सामान भी कम है। जिस दिन फर्स्ट बार गए उस दिन तो बहुत सारा सामान था ना, तो तब लेट हो गया, आज जल्दी जल्दी चले जाएंगे। और खेत में जुताई हो रही है, यहाँ कुछ लोग बैल से करते हैं, ये बैल से करते हैं और कुछ लोग ट्रैक्टर से करते हैं। तो देखो वहाँ पे कुछ लोग बैल से करते हैं और ये हमारे गाँव का भी। तो गाय जो भी हम पूछते हैं गाय जी, और बहुत अच्छा पूल है, लोग फोटो शूट वगैरह करने के लिए आते हैं। आज नदी कुछ इस टाइप की आई है, देख सकते हो और कितनी आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी नदी है गाइस। ये वाला एरिया डेंजर लगता है, यहाँ पे ना एक्सीडेंट होने का खतरा है, वैसे देखो गाड़ियाँ ऐसे आती। ये मन्नू भैया देख रहे हो यहाँ पे बैठे हैं, कुछ काम नहीं हुआ भैया यहाँ पे। इस वाले बैग से गिरी थी मैं, क्या कर रहे हो यहाँ पे। सो गाइज अभी हम लोग इस वाले गांव के पास पहुँचे हैं, ये भी बहुत प्यारा सा गांव है और बहुत ज़्यादा थकान लग गई गाइज, दो बार हम लोग बैठ गए अभी, और रोडी रोड जाने फिर ऊपर को चढ़ाई है। और आज मैं दीदी का दिया हुआ गिफ्ट मतलब वाला पर्स लेके आ गई, मतलब यानी करोली बाबा जी वाला। और काबू की मोम आगे से जा रही है, काबू की मोम होकरा साइड की है, वहाँ मैं बचपन में अपनी दादी के साथ जाती थी। और ये देखो गाइस कितना प्यारा गांव है, रोड आ रही है अभी साइड को, फिर रोड में जाएंगे। जय इष्टदेव जी, इष्टदेव जी, काली नाग इष्टदेव जी। कालीनाग जी सबकी रक्षा करना, मंदिर का सामान, और मैं अब चढ़ावा चढ़ाती हूँ और मैंने अपनी मायके वाले की तरफ से भी रखा है। तो जय कालीनाग जी। आटा वगैरह इसमें डाल दिया है, अब यहाँ पे बन रहा है खाना,
में पूजा वगैरह करी है। और ये हमारे यहाँ ताऊ जी है, मुझे रिश्ता ज़्यादा पता नहीं है, तो मंदिर में आके बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, इतना अच्छा लग रहा जो सुकून यहाँ अपने इष्ट देव जी के मंदिर में आके मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। और आज बहुत कम लोग आए हैं तो कम भीड़ है, लेकिन इतना सुकून मिला है आज हम लोग हैं। हाँ वो हमारे मंदिर वाली चाय लेके आ गए, थैंक यू। अगर हम लोग मंदिर में आते हैं ना तो मैंने सब लोग चाय वगैरह देते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने क्या किया था बताऊँ, हम लोगों ने पानी नहीं पिया था क्योंकि करवा चौथ का व्रत आने वाला है ना, तो उस दिन क्या पता कैसा व्रत रखे, पानी वाला रखे ना रखे, तो आज अपने श्रीदेव जी के मंदिर में हम लोग बिना पानी पिए आए। अब हम लोग ने पूजा वगैरह कर लिया, पानी भी पी लिया, एक भैया ने पानी दिया, अब चाय पी ली। और ये मेरी जेठानी जी है और इनके ससुराल साइड के भी लोग ना मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो वो इन्हें बोलते हैं कि ब्लॉग में आना करके, तो हाय बोल। हाय, ये काबू की मम्मी है जो काबू हमेशा मेरे ब्लॉग में आती है। सबसे पहले मंदिर का टूर दे देती हूँ। ये हमारा मेन मंदिर है और यहाँ पे आरती वगैरह करते हैं, मतलब आरती वहीं पे करते हैं, यहाँ पे ना गोदान वगैरह करते हैं और यहाँ पे बैग वगैरह रख सकते हैं इस साइड को हम लोग, और जो देवता वगैरह आते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं गाइस, उसके लिए बहुत अच्छा बनाया है ये। और वो भैया वो जो दमा क्या बोलते हैं इसे, वो बजाने वाला यहाँ पे है ढोल दमा वाले, और यहाँ पे फेरे, मतलब मंदिर का ना चारों तरफ से राउंड लेके फेरे वेरे लगाते हैं। और आज कम लोग आए हैं लेकिन इतना प्यारा लग रहा है गाइस, इतना सुकून मिलता है ना, मुझे मंदिर वगैरह जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लगता है करके। आज अकेले बस काबू की मम्मी और मैं इधर, और मतलब यहाँ आके ना, और यहाँ के इतना अच्छा लग रहा ना, ये देखो गाइस, ये जो यहाँ के लोगों ने दे रखी ना घंटियाँ वगैरह, हाँ जिन्होंने होते हैं ना तो गाइस इसके अंदर जिमोने भी होते हैं। और नीचे भी बहुत अच्छी जगह बनाया है, वॉशरूम बनाया है, देखो गाइस बहुत अच्छा बनाया है और बहुत प्यारा गांव है, लेकिन चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है इधर, बट जो यहाँ के सुकून मिलते हैं ना वो शायद ही कहीं मिलेगा। मंदिर कहीं पे भी हो ना, हम लोग जहाँ जितनी मेहनत करके जाते हैं ना वहाँ जाके उतना अच्छा सुकून मिलता है। इससे भी ऊपर को एक मंदिर है, मतलब शिखर मंदिर बोलते हैं, वहाँ लड़कियाँ नहीं जाते हैं, इष्ट देव जी का मंदिर है, वो दूध ही दूध चढ़ाते हैं, और उस वाले मंदिर में खीर बनता है और इस वाले मंदिर में सब कुछ बनता है। इसके पीछे एक स्टोरी है ना, लेकिन अभी स्टोरी एक्सप्लेन कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आया, एग्जैक्ट स्टोरी पता नहीं है, अब घर जाके पूछूंगी तब बताऊंगी। और यहाँ पे ना ये बजाने वाला, इसे पहाड़ में ना भूक भूक और बोलते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ आती है, गोल गोल करके घूमते हैं ऐसे ही। और अभी खाना भी बन रहा है उस साइड को, नहीं चल रहा वैसे, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है थोड़ा बहुत, 2G 3G सिग्नल आ रहे हैं। और अभी हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे बैठे हैं, थोड़ा बहुत खुद की बेइज्जती करवा रहे हैं, भैया है ना उनसे। यहाँ पे चाय बना रहे हैं, देखो गाइस हाँ, और यहाँ का विभूता भी ले जाने हैं मुझे, यहाँ का नहीं, ये तो खाना बना रहे हैं ना शायद, नहीं तो यही वाला तो ले जाते हैं, यही वाला ये ले जाना भी है मुझे गाइस। और यहाँ देखो जो पूजा करे ना आजकल वो लोग यहाँ रह रहे होंगे, तो फिर 2 गद्दे लगाए हैं, और यहाँ पे चार्जिंग का भी है, लाइट वाइट की व्यवस्था पूरी है, और घंटियाँ देखो गाइस, इतना प्यारा लग रहा ना मुझे भाई, अपने इष्ट देव जी के मंदिर में आके बहुत सुकून मिलता है। और लगाए हैं इसमें भी गाने लगाए थे, और ये देखो गाइज ये मेन गेट है, ऊपर गांव है, और ये गांव बहुत ज़रा प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन में आई हूँ इधर, और यहाँ मेरे एक अम्मा भी रहती थी, अब वो तो नहीं है इस दुनिया में, बट मैं जब भी यहाँ आती हूँ उनकी याद मुझे हमेशा आती है, आज भी मुझे रास्ते भर उनकी याद आई, रास्ते भर नहीं मतलब जहाँ पे हम लोग बैठे ना वहाँ पे उनकी याद आई मुझे। और यहाँ से बच्चे नाचने भी स्कूल में जाते हैं, जो नाचने जाते हैं ना उनका एक दिन में 24-25 किलोमीटर चलना होता है, यहाँ से नौरड़ा तक शायद 6-7 किलोमीटर है, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर आगे, तो 24-25 किलोमीटर भी बच्चे इतने दूर गांव से मेरे मायके की साइड को जाते हैं, तो बहुत मेहनती होते हैं गाँव के बच्चे वैसे सच्ची में, और बहुत मेहनती है। गेट वैसे हम लोगों ने पूजा पाठ वगैरह कर लिया, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं फोटो वगैरह खींचने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें बता देती हूँ अपने बारे में करके। आज मैं इस मंदिर में आई हूँ शादी के बाद दूसरी बार, उससे पहले भी मैं बचपन में आई हूँ, और ये शादी मैंने
अपने प्री वेडिंग में लगाया था, उसके बाद मैंने ये कथा के दिन पहना था, मतलब जो ससुराल में कथा हुई थी, फिर उसके बाद से आज मैंने पहना है ये। और आज इसके साथ मैंने लाल चूड़ा पहना है, तो अच्छा लग रहा, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था मुझे। तो मंदिर में आके ना बहुत सुकून मिलता है, मैंने इतनी बार बोल दिया कि मंदिर में आके सुकून मिलता है, लेकिन सुकून मिलता है ना, सुकून सच्चे में मिलता है। तो यहाँ पे आए हम लोग, और यहाँ पे अंकल जी लोग थे, उन्होंने हमें पानी भी दिया, भैया ने, एक भैया ने पानी दिया हमें, फिर एक अंकल जी ने चाय दिया। और ये लोग ना आज खाएंगे, जैसे 4 बजे खाएंगे, फिर दूसरे दिन 4 बजे खाएंगे। तो गाँव में ना भक्ति भावना बहुत ज़्यादा होती है, और मंदिर में आके ना गाइस, एक चीज़ अच्छी बात है, इतनी दूर मंदिर है ना, तो यहाँ गांव भी है, तो जो यहाँ के रिलेटिव होते हैं ना, पूजा करने के बहाने से ही अपने गांव वालों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे ना कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे दूर मंदिर भी होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ के लोकल लोगों को पहचान सके, उनसे मिल सके। और जो यहाँ रहते हैं ये लोग भी सारे मेहरा लोग हैं, मतलब हमारे रिलेटिव हैं ये लोग भी, और इनमें से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज वगैरह भी देखते हैं। और मनु भैया का घर भी यहीं पे, और कुछ गिर गया गाइस। और मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट करना। आज मैंने नए चांदी के पायल डाले अपने, जो मैंने अपने 50K सब्सक्राइबर पे लिए थे, मैंने सोचा मंदिर में जाके डालूंगी। परसों जब मैं पहनने आई थी ना, उस दिन मेरे पाँव में नहीं थे, क्योंकि खो गए थे। तो आज मैंने, और अभी काबू की मम्मी रिकॉर्ड कर रही है मेरी वीडियो।